दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रीमती मनीषा झा जी से। इनका एक एग्जीबिशन मिथिला रामायण करके इस वक्त ललित कला अकादमी में चल रहा है और ये स्वयं आर्टिस्ट भी हैं और इस एग्जीबिशन को उन्होंने क्यूरेट भी किया है। नमस्कार मैम। नमस्ते, नमस्ते। आप सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हाँ जी, सो मनीषा जी, ये मिथिला रामायण का एग्जीबिशन का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये 20 साल से मैं इस एग्जीबिशन को और कलेक्ट किया है, जो जितने भी मास्टर्स हैं, जैसे कि आप इस एग्जीबिशन में देख पाएंगे जगदम्बा देवी की पेंटिंग, जो कि शी वॉज द फर्स्ट नेशनल अवॉर्डी एंड फर्स्ट शिल्प गुरु ऑफ मिथिला पेंटिंग ट्रेडिशन। ओके। एंड जब ये आर्ट डिस्कवर हुआ था 1965 में, उसी टाइम ये काफ़ी बुजुर्ग थी, तो शी सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑफ। एंड तो इस शो में मैंने करीबन 20 साल में मैंने 400 पेंटिंग अभी तक हम लोगों ने संग्रहित किया है रामायण पे। बट जितनी इस गैलरी में आ सकती थी, तो हमने 100 के करीब आर्टवर्क यहाँ पे आप देख पाएंगे, सब मास्टर्स का, जैसे जगदम्बा देवी जी, अनमना देवी जी, गोपाल साहब, विमला दत्त जी, चंद्रकला दास, उर्मिला देवी जी, इन सब की पेंटिंग आप इकट्ठी देख पाएंगे। इसमें 5 पद्मश्री हैं, जैसे बहुआ देवी जी है, दुलारी देवी जी है। सो इनका काम के साथ आई हैव ऑल्सो पुट यंगर आर्टिस्ट, जो कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, इन्होंने अपने हिसाब से उसको बनाया है। तो इट इज़ लाइक ऑल्सो अ जर्नी ऑफ मिथिला पेंटिंग थ्रू रामायण। प्लस रामायण, जैसे कि आप सबको पता होगा कि 300 से ज़्यादा वर्जन है रामायण के, और लोकल रामायण, द फोक लोर एंड फोक नैरेटिव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So that is what you see in these paintings. तो ये जो प्रदर्शनी है, इसमें सीता माँ का जन्म सीतामढ़ी मिथिलांचल में हुआ था, तो इसीलिए ये जितनी ये पूरी प्रदर्शनी जो है, इसमें मिथिला का जो फोकलोर है वो उभर के आता है। एंड इट इज़ अबाउट द हाउ वी लिव रामायण, इट्स लाइक लिविंग ट्रेडिशन। सो हाउ वी लिव रामायण इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, एंड हाउ वी सी रामायण, एंड हाउ रामायण अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत रेलिवेंट है। एंड मिथिलांचल की जो जितनी स्टोरीज हैं, तो जैसे ये आर्ट है, दिस आर्ट इज बाय वुमेन, प्रैक्टिस बाय वुमेन, प्रिजर्व बाय वुमेन एंड इवॉल्व बाय वुमेन, उसी तरीके से वुमेन हैव केप्ट द होल ट्रेडिशन अलाइव। सो इट्स अ ओरल ट्रेडिशन ऑफ ओरल नैरेटिव्स। तो ये सारा इस ध्येय से ये एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड द फोकलोर जो हमारा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो जो कुछ अनकही कहानियाँ हैं, जो अनसुनी कहानियाँ हैं, जो कहीं नहीं है, वो इन पेंटिंग्स में। ओके। तो इस मिथिला रामायण का, जैसे आपने बोला, वहाँ का फोकलोर, मतलब देर आर 300 रामायण्स, दैट इज़ फाइन, बट एंड ईच मस्ट बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना, फ्रॉम द अदर। तो इन सब का डिफरेंस, जो हम रामायण पढ़ते हैं, तुलसीदास जी की रामायण है जो, या रामचरित मानस है वाल्मीकि की, उनमें क्या डिफरेंस आपने देखा? इसमें और उसमें काफ़ी डिफरेंस है। दिस इज लाइक वुमेन्स इंटरप्रिटेशन। तो इसमें, अच्छा, हाँ, तो इसमें आप जो हमारे यहाँ जो शादी होती है, तो एवरी ब्राइड इज कॉल्ड सीता एंड एवरी ग्रूम इज कॉल्ड राम। तो जो आप गीत में भी आप इसको सुनेंगे, जो नाट्य शास्त्र है उसमें भी हमारे यहाँ एनएक्ट जो होता है वो भी उसमें भी आपको दिखेगा। तो ये एक फोकलोर है कि हम हर चीज़ को सीता जी से जोड़ देते हैं और हर चीज़ को राम भगवान से जोड़ देते हैं। तो इसमें जो पेंटिंग्स है कि सीता माँ क्या बनाती थी, क्या खाती थी, या जो शादी में हमारे यहाँ जो जितने विद होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, वो सब हमने यहाँ पे सीता माँ को लेके दर्शाया। जैसे इसमें कुछ पेंटिंग, जैसे मैंने एक पेंटिंग है सीता यानी, इसमें इट इज़ ऑल स्टोरी ऑफ वुमेन, इट इज़ स्टोरी, इट्स लुकिंग एट रामायण फ्रॉम वुमेन्स पर्सपेक्टिव, सो दैट इज़ वेरी स्पेशल। देन आई हैव अ पेंटिंग हियर ऑन हनुमत रामायण, वेयर दैट होल, ऐसा कहा जाता है कि पहली रामायण जो थी वो हनुमान जी ने लिखी थी। ओके। तो और उन्होंने केले के 7 पत्ते पे ये रामायण लिखी थी, तो वो पेंटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने 7 खंड को 7 पत्तों को बनाया है। जो रामायण का है, फिर आपको लाल दास जी का रामायण जो है, जो 8वां जो इंटरप्रिटेशन अबाउट जो लाल दास जी बिहार के थे, तो नूतन बालाजी के, उसमें सीता माँ का आपको अलग अलग रूप मिलेंगे, शी इज इन द फॉर्म ऑफ काली, बिकॉज उन्होंने सहस्र बाहू का वध किया। तो देर आर डिफरेंट वर्जन ऑफ वैदेही,
in this exhibition where Sita Ma is also one Devi, she is also very powerful. तो उनका जो अलग अलग रूप है एज अ वुमेन एज एंड हाउ शी इज पावरफुल एंड सटल एट द सेम टाइम सो एवरी वर्जन ऑफ भगवती यू कैन सी इन दिस एग्जीबिशन सो यू आर सेलिब्रेटिंग वुमेन थ्रू सीता सीता मां सेलिब्रेटिंग वुमेन थ्रू सीता एंड वी आर आल्सो सेलिब्रेटिंग फुल रामायण एंड राम भगवान बिकॉज उनका जो महात्मा है वो तो जितने गुणगान हो उतना कम है सो दैट इज वॉट वी हैव एग्जिबिटेड हियर एंड इट इज ऑल्सो शोइंग पीपल बिकॉज मिथिला पेंटिंग इज अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशन एंड नाउ ऑब्वियसली एवरी फोक आर्ट इज टेकिंग अ न्यू फॉर्म बट देन देर इज नॉट अ सिंगल प्लेस वेर यू कैन सी ऑल दीज आर्ट फॉर्म दैट वन प्लेटफॉर्म लाइक हाउ दिस पेंटिंग If I talk about an art form, how this painting looked like in 1960s, then 70s, then 80s, so wo transition aapko yahan pe dekh rahe ho. Okay, that's quite interesting. Yes. So as an art form also, this exhibition is very powerful because it shows the transition of Mithila painting from 60s till now and how it has, with the same concept, how different artists have been evolving. Okay. So you connected with Madhubani Art Center for this. So you sourced the. No, I'm founder of Madhubani Art Center. Oh, okay. okay. So, when I was around 24, 25 years old, at that time, I founded this organization. Okay. Because when I, as an architect, I'm an architect. Okay. And a planner too. So, okay. It just when I started exhibiting painting, मैंने सीखी बचपन से, because हमारे यहाँ मेरी माँ करती थी, मेरी दादी करती थी. Okay. You know, at that time I realized I did the first exhibition of Mithila painting in art gallery in 1998. Okay. Because as an architecture student, I felt before that it was always seen as craft. So, mujhe bahut bada struggle karna pada to get this art into galleries and looking at folk art as art form. Okay. Because these are also art form. Yeah. Koi contemporary art ho ya ye, they are same. Huh. And the energy, the thought process, everything, it's a living tradition. So that's what was my struggle. So okay. I founded Madhubani Art Center because mujhe realized, I started documenting. Mujhe realized ki, not much has been written about it and not many people know. Even people from Bihar don't know, that art ki kya intricacies. Okay. So that's how I have done more than 250 shows all over the world now. For Mithila art? For Mithila painting. Okay. Across the world? Across the world. Oh, okay. Then where did you get the maximum response, the maximum appreciation? Everywhere. When I had exhibited in Mauritius. So at that time, people used to meet me on the streets. It was like a nostalgia because it was an art coming from Bihar and bahut bada migration is from Bihar. Achha. So, people used to touch me as if they were touching some goddess has come. Apna prant ka jo ek feeling aata hai. So, that kind of feeling. Okay. And all over the world, when I had gone to Russia also, it was very Austria. America mein bahut achha इंडिया में आपको कैसा रिस्पांस मिलता है बहुत अच्छा बहुत लोग तो रामायण को ही डिबंक कर देते हैं नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम है दिखाना और जो लोग देखते हैं तो मेसमराइज हो जाते हैं तो लोगों को पता नहीं है जो इसकी डिटेल्स है तो हमारा उद्देश्य ही यही है मेरा ये पूरा शो यहाँ पे लगाने का उद्देश्य है टू एजुकेट पीपल अबाउट एन आर्ट फॉर्म अबाउट द इंट्रिकेसीज ऑफ आर्ट फॉर्म एंड अबाउट रामायण बिकॉज देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ रामायण जिसको हम नहीं जानते और हम रामायण को एक छोटी छोटी चीजों में जीते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि दैट इज वेरी हाँ जीवन में हम रामायण जीते हैं लेकिन समझते नहीं हैं हम उस बात को समझते नहीं हैं तो रामायण में आपका स्पेसिफिकली इंटरेस्ट कैसे हुआ आपने बोला आप 20 साल से रामायण का ये बना रहे हैं स्टार्ट हुआ कि मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनके लिए कोई ऐसा सचित्र चित्र के साथ रामायण था एक्सेप्ट अमर चित्र का था एक भी किताब नहीं मिली तो मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि इसको मैं करूँगी ओके पिक्टोरियल रामायण बिकॉज सो मेनी टाइम पीपल आई हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग तो आप देखेंगे कि इतने सारे लोग होते हैं जिनको पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन चित्र से सब रिलेट करते हैं इमेजेस से सब रिलेट करते हैं चाहे आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं चाहे आप किसी भी प्रांत से हैं आप जो एक कोई पेंटिंग हो या फिगर हो तो एवरीबडी रिलेट्स विद इट सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड एट दैट टाइम दैट आई विल पुट इट टुगेदर ओके एंड आई डोंट नो हाउ बट देन इट ऑल स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल एंड इट हैज टेकन अ वेरी बिग फॉर्म या इट हैज टेकन अ वेरी बिग फॉर्म एंड सम ऑफ योर वर्क्स आर रियली रियली बिग
सो हाउ डू यू मैनेज लाइक द वन बिहाइंड यू ऑल्सो सी दिस इज दिस बिग एंड वेरी स्मॉल लेटर्स में आपने राम 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 पूरा लिखा हुआ है सो हाउ मच टाइम डज इट टेक एंड डू यू एनी टाइम गेट लाइक अ लिटिल टायर्ड कि ये खत्म नहीं हो रहा है ऐसा कभी फीलिंग होता है नहीं होता है बिकॉज़ मेरा तो पैशन अनलिमिटेड है इसमें अच्छा बिकॉज़ मैं जितना दिस इज लाइक माय मी टाइम ओके बिकॉज़ अगर मैं पेंटिंग ना करूं तो आई फील रेस्टलेस सो ऐसा कुछ नहीं है एंड आई लाइक टू डू इंट्रिकेट वर्क एंड बिग वर्क आई कैन हैंडल बिकॉज़ आई एम आल्सो एन आर्किटेक्ट सो यू नो आई एम अ अर्बन एंड रीजनल प्लानर सो यूनिवर्सिटी प्लानिंग तो मुझे हर चीज को ऊपर से देखने की आदत है तो वो मुझे बड़ा काम ही मजा आता है ज्यादा करने में इसको अच्छा छोटा काम अच्छा नहीं लगता तो ये जो इतना बड़ा काम आपने अपने पीछे आपके जो है कितना समय इसको लग गया होगा इसको ज्यादा समय नहीं लगा था अच्छा जो आपने सीतायन देखा वो हाँ। तो 5-6 महीने लगा था अच्छा उसमें करीबन 160 फिगर्स है ओके और जैसे और भी रामायण की जो जो डिटेल्ड पेंटिंग्स है सो लाइक काकुशुंडी रामायण कागभूषुंडी भैया राइट भी 6-7 महीने लगे थे एंड इवन हनुमत रामायण दैट टुक मी आई थिंक 4 months 4-5 months ओके तो जब आप एक काम शुरू करते हैं जैसे इतना बड़ा वाला काम शुरू करते हैं तो उसके साथ लाइक थोड़ा सा करके आप उसको छोड़ देते हैं या लगातार उस पर लगे रहते हैं मैं इसको 5-6 घंटा रोज करती हूं और फिर वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक आप दूसरा काम नहीं उठाएंगे ऐसा होता है कि कुछ आइडियाज आते हैं आई कीप स्केचिंग ऑन माय स्केचबुक ओके बट आई फिनिश दैट ओके 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 तो आपने बताया कि आप बेसिकली आपका एजुकेशन प्रोफेशनल जो है वो आपका आर्किटेक्चर है एंड यू आर अ टाउन प्लानर एंड दिस इज योर पैशन दिस इज माय पैशन और दिस इज माय प्रोफेशन टू नाउ अच्छा तो आप अभी आर्किटेक्ट प्लानिंग का काम करते हैं सो हाउ डू यू गेट टाइम हाउ डू यू मैनेज योर टाइम सी बोथ आर्किटेक्चर एंड आर्ट इज आर्किटेक्चर इज मदर ऑफ ऑल आर्ट्स तो ये सारा आर्ट है बिल्डिंग डिजाइन भी जो है जब हमको बिल्डिंग डिजाइन करते तो इट्स लाइक ए आर्ट वर्क फॉर अस बिकॉज इट्स अ लिविंग स्ट्रक्चर इसमें इसका स्पाइन होता है वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी एंड देयर इज अ सोल टू ईच बिल्डिंग तो वी हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दैट तो मुझे वो पेंटिंग में भी लगता है हम पेंटिंग में आग सबसे लास्ट में डालते हैं बिकॉज वी बिलीव द मोमेंट वी पुट आईज इन द पेंटिंग वो पेंटिंग जीवंत हो जाती है so that is the whole concept because it's all living it's not as a dead तो इस एग्जीबिशन से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है what do you like looking at from audiences सबसे पहले it's a lot of happiness because I've been able to put it because it's a very big process to put up a show you have to put paintings and collected paintings तो और दूसरा है टू एजुकेट पीपल तो बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं और उसका काफ़ी प्रचार हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द आर्ट फॉर्म एंड ऑल्सो द वुमेन बिहाइंड इट नो बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि आप सोचिए कि ऐसा आर्ट फॉर्म है जो ओरली इतने जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है बालकांड में मेंशन है अभी तक है ओनली बिकॉज ऑफ वुमेन because they live it in rituals they live it in festivals they live it in daily life so that is very beautiful about this okay to aap is exhibition ko kahin aur bhi leke jayenge is it I will be taking it to different parts of the world wherever I get chance okay so and India mein to definitely okay so kuch planned hai abhi next Bangalore mein hai okay November acha aur abhi main aur bhi isko Delhi mein bhi dikhaungi क्योंकि ये तो एक सेक्शन है दूसरा सेक्शन है सो यू नो ऑल द पार्ट्स द एनसीआर रीजन आल्सो डू यू प्लान यस यस बिकॉज द मोर इट इज एग्जिबिटेड द मोर पीपल विल हैव चांस टू सी इट एंड इट इज एग्जिबिटेड सम पार्ट्स इन आवर सेंटर आल्सो ओके तो लाइक दैट इज द ओनली सेंटर इन द वर्ल्ड वेयर यू कैन सी सो मेनी मिथिला पेंटिंग्स टुगेदर ओके ओके सो यू स्टिल डू राम पेंटिंग रामायण पेंटिंग्स like right now as of now it's a continuous process huh. there are so many aspects mein काकभूषुंडी की कहानी आई थिंक मैं कविता सिंह जी के लेक्चर में गई अच्छा तो वो मिनिएचर पेंटिंग दिखा रही थी अच्छा शी वाज शोइंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण इन आई थिंक राजस्थानी पेंटिंग वहाँ उन्होंने काकभूषुंडी बोला था एंड सडनली आई रियलाइज ओह आई हैव नॉट पेंटेड काकभूषुंडी ओके और उसके बाद मैंने आगे वो शुरू किया ओके तो आप ऐसे उसमें नई नई चीज़ें ढूंढती रहती हैं कि क्या या आपको ऐसे थॉट आ जाता है मुझे लगता है कई बार भगवान आपको लीड करते हैं करने के लिए
तो रामायण आई थिंक माय होल इंस्पिरेशन वाज माय फादर. ओके. तो मेरे पापा वाज आल्सो एन आर्किटेक्ट एंड ही वाज आचार्य इन संस्कृत. आचार्य इन संस्कृत. ओके. वाज सीनियर मोस्ट आर्किटेक्ट. ही वाज फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ बिहार. ओके. तो ही वाज माय इंस्पिरेशन. हम लोग साथ में वो आचार्य थे तो संस्कृत में बोलते भी थे और पढ़ते भी थे. तो हमारे रामायण हर तरह की रामायण आपको मेरी लाइब्रेरी में मिलेगी. सो दैट काइंड ऑफ यू नो सो एवरी टाइम आई थिंक ये तो बहुत छोटा सा एफर्ट है बट देयर इज रामायण इज वास्ट. इसके जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन इफ आई टॉक अबाउट नेचर इफ आई इतने सारे चीज़ें इसके दिमाग में आती जा रही है कि वो बनाते बनाते लाइफ टाइम निकल रहे हैं. तो कभी आपने सोचा कि आप तो इतने सारे काम करते रहते हैं, मतलब कभी आपने सोचा जैसे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो आप उसमें जैसे आई डेंट नो अबाउट द नेचर यू जस्ट सेड तो कि उनके बारे में कुछ लिखा जाए मे बी अ बुक और समथिंग. जैसे सीता जी क्या है, मैंने एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन पहले भी किया था दरभंगा में वही दिल्ली. तो उसमें सीता जी के अलग अलग रूप को हमने दर्शाया था. सीता माँ के अलग अलग तो शी वाज अ वेरी गुड कुक. So, उनके मसाले उनका रसोई. अच्छा. सो यू नो देयर आर मेनी इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच कैरेक्टर इन रामायण. जैसे जब मैंने IGNCA में भी डॉक्यूमेंट किया था इस रामायण को तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे गौंड को भी किया था. गौंडी रामायण में लक्ष्मण जी इज वेरी इम्पोर्टेंट. अच्छा. और मिथिला रामायण में सीता माँ इज इम्पोर्टेंट. ऑब्वियसली राम जी तो है ही बट देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट जो विच टॉक्स अबाउट हाउ टू लिव इन हाउ टू लिव लाइफ व्हाट इज योर कोड ऑफ कंडक्ट. आप कैसे आपको जीना चाहिए कैसे रहना चाहिए कैसे सांस लेना चाहिए हर चीज़ है. तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. हमको पता नहीं है. तो ये चीज़ की रामायण को हमें जीवन में उतारना चाहिए. उन जैसे राम जी जिए वैसे जीना एक आदर्श पुत्र एक आदर्श. नहीं जितने पात्र हैं अगर आप उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो बहुत अनयूजुअल है. आप उर्मिला का पात्र देखेंगे खाली विमेन का पात्र को डॉक्यूमेंट कर दिया. अच्छा. तो उर्मिला का पात्र देखिए कि वो लक्ष्मण जी के हेवन में सोई थी. तो आप सोचिए कि कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है. सो जस्ट इमेजिन वुमेन इतनी सारी तरह की वुमेन है रामायण में चाहे कैकई हो और मंथरा हो जो राक्षसी है त्रिजटा सबका अपना एक अलग अलग रूप है और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे और अपना एक इम्पोर्टेंस है. तो इन बातों को नेक्स्ट जनरेशन क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना वो डीबंक कर देते हैं. आपको भी पता ही होगा कि नहीं नहीं ये सब मतलब मिथ्या है असली नहीं है. तो उस सिलसिले में आप कुछ आपका कुछ है प्लान? लग रहा है कि अभी जो हमारे यहाँ यंग बच्चे भी आते हैं उनको बहुत इंटरेस्ट आता है इसको सुनने. अच्छा. में और एज अ स्टोरी मे बी दे डोंट रियलाइज द होल वास्टनेस ऑफ दिस एपिक बट दे डू हैव इंटरेस्ट इवन स्मॉल चिल्ड्रन इंटरेस्ट इन स्टोरी टेलिंग. अच्छा. ये ना तो वो एक बहुत पावरफुल मीडियम है ऑफ एंड दैट इज हाउ रामायण हैज सर्वाइव्ड यू नो स्टोरी टेलिंग. जो हम रामायण को वाचते हैं उससे वो पूरा निकल के आया. मे बी थ्रू स्टोरीज वन डे व्हेन दे ग्रो बिग दे विल अंडरस्टैंड. इट हैज लॉट ऑफ इंपैक्ट. आर्ट का अपना इंपैक्ट होता है आर्ट फॉर्म का इंपैक्ट अलग होता है हर चीज का इंपैक्ट. अच्छा आपने शुरू में बात करी थी कि मधुबनी क्राफ्ट को आर्ट फॉर्म में एक्सेप्ट कराना. उसमें आपको कितना समय लगा? उसमें अभी भी स्ट्रगल जारी है. अच्छा. बट देन डेफिनेटली काफ़ी सक्सेस मिला मुझे बिकॉज मेरी पेंटिंग जैसे बहुत सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट तैयब मेहता जी के साथ या क्या कहते हैं रजा के साथ एग्जीबिट हुई. ओके. फिर जैसे SL म्यूजियम में जो इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट पर था उसमें चार आर्टिस्ट में से एक मैं थी. ओके. आई डोंट नो हाउ आई वाज सिलेक्टेड. सो देन स्लोली आई हैव बीन एग्जीबिटेड अलॉन्ग विद अदर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑल्दो इट हैज आर्ट फॉर्म हैज अ स्ट्रगल राइट नाउ बट देन एटलीस्ट अब आप देखेंगे कि फोक आर्ट पर बहुत सारे शोज हो रहे हैं बाकी आर्टिस्ट के साथ. एक्सेप्टेंस भी आ गया. इंडिया आर्ट फेयर में एग्जीबिट हो रहा है हर जगह हो रहा है. ओके. कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी सीनियर आर्टिस्ट ने आपको बोला हो कि क्या क्या ये कोई आर्ट नहीं है? सीनियर आर्टिस्ट तो ऐसे कभी नहीं बोलते बट देन डेफिनेटली एक हमारे यहाँ डिमार्केशन है इवन प्राइसेस में हर चीज में कि ये फोक आर्ट है तो वो धीरे धीरे टूट रहा है. अच्छा. फोक आर्ट भी काफी एक्सपेंसिव हो गया. अच्छा. रियलाइज हो गया है. ओके. आई थिंक फोक आर्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग है बिकॉज पीपल रिलेट विद. हाँ बिकॉज इट इज लाइफ. अब बाकी आर्ट देख आर्ट एज सच एवरी आर्ट इज गुड बट फोक आर्ट में बिकॉज यू कैन सी योर सेल्फ देयर. या
ओके, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से टू आवर ऑडियंसेस, टू द पीपल हु आर कमिंग फॉर द शो? आई वुड से कम एंड एंजॉय द शो एंड डेफिनेटली एंड लुक एट रामायण एंड फोक आर्ट डिफरेंटली. लाइक इफ यू सी दिस फोक आर्ट मिथिला पेंटिंग, इसका एक मास प्रोड्यूस ग्रुप आप दिल्ली आर्ट वगैरह में देखेंगे, बट देन इसका एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ट फॉर्म है ये, जिसमें कि सिम्बोलिज्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो समझने के लिए आपको ये पेंटिंग एक साथ देखनी है, एंड दैट्स व्हाई दिस एग्जीबिशन इज वेरी एक्सक्लूसिव. ओके, सो थैंक यू सो मच मनीषा जी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वेर एवर यू टेक दिस एग्जीबिशन. आई एम श्योर इट विल रॉक, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.